हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लौकी आलू की सब्जी की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत शानदार है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चे भी जल्दी लौकी खाना पसंद नहीं करते, आप उनको ये सब्जी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। आई एम श्योर दे विल श्योरली लाइक इट। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके उनको खिलाइएगा। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को, ये देखिए मैंने छील लिया है और कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम लौकी का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं यूज़ करके सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लौकी को छील लिया था, और छीलने के बाद में ये देखिए लौकी को हमें थोड़े बड़े पीसेज में कट करना है। अगर आप लौकी को बड़े पीसेज में कट करेंगे तो सब्जी का टेस्ट अलग ही आएगा। सब्जी का जो काटने का तरीका होता है, साइज़ होता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सब्जी के टेस्ट में। आप छोटे टुकड़ों से सब्जी बनाएं, बड़े टुकड़ों से सब्जी बनाएं, लंबा काटें, छोटा काटें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आप इस सब्जी को थोड़े से बड़े टुकड़ों में बनाकर देखिएगा, सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से बड़े टुकड़ों में आप काट लीजिए। अगर आपको बड़े टुकड़े पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको छोटे टुकड़ों में तो काट ही सकते हैं। तो ये देखिए, लौकी कटकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने आलू को भी कट करके रख लिया है। कच्चे आलू मैंने लिए थे और लगभग 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे, कच्चे आलू, जिसको मैंने छील कर यहाँ पर ये देखिए क्यूब्स में काट लिया है। तो इसके भी हमें लौकी के साइज के ही पीस करने हैं, थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं आप। और ये देखिए, आलू के अलावा यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली हुई है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, तो ये हमें ऐड करनी है। इसके अलावा टमाटर हमें ऐड करना है, तो मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने प्योरे बना लिया है। आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं, कैसे भी टमाटर ऐड करें, पर टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है सब्जी में। तो आइए लौकी आलू की सब्जी हम बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत डिलीशियस होती है। और ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये देखिए, तेल जब हीट हो जाएगा तब इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर दीजिए। हींग भी जब अच्छे से एरोमेटिक हो जाएगी तब इसमें आधी चम्मच हम डालेंगे राई के दाने। इसके साथ ही आधी चम्मच हम इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा भी ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है दोनों चीज़ों का, तो आप ज़रूर ऐड करें। अच्छे से दोनों को स्प्लटर हो जाने दें, अच्छे से जब फ्लेवर आ जाएगा इसका तेल के अंदर, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सब्जी हमारी बनेगी। और ये देखिए, 2 से 3 हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर दीजिए। लगभग 2 से 3 इंच का आप अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, और उसका छिलका मैंने हटा दिया था। और उसके बाद में ये देखिए, इस तरह से ग्रेट करके हमें ऐड करना है। आप चाहें तो अदरक को छोटा छोटे पीसेज में काट कर भी ऐड कर सकते हैं। सॉटे कर लीजिए लगभग 30 सेकेंड तक, और उसके बाद में हमें ऐड करना होगा इसमें प्याज। तो ये देखिए, बारीक कटी प्याज भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी इसको बनाया जा सकता है। ये देखिए, मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इसमें गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो लौकी की सब्जी होती है, घिया की सब्जी होती है, काफ़ी डेलिकेट होती है, तो अगर आप गार्लिक को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए, प्याज को हमने हल्का ब्राउन कर लिया है, लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको कुक कर लिया है। तो प्याज हमारी भुन चली है, तो इसमें अब हम ये देखिए लौकी के पीसेज हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो लौकी, जिसको कि दूधी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो हमने ऐड कर दिए। आलू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। हाई फ्लेम पर आप इसे सॉटे कर लें, तो लगभग 2 मिनट तक हम इसे सॉटे करेंगे, ताकि ये अच्छे से, अगर सब्जी थोड़ी सी सिक जाएगी तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको आप चलाते हुए इस तरह से लगातार इसको थोड़ा आपको भून लेना है। तो ये देखिए, लगातार चलाते हुए मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक भून लिया है, और ये सब्जी हल्की सी सिक चुकी है। तो बस अब फ्रेंड्स, टाइम है इसमें कुछ मसाले ऐड करने का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी। तो बहुत ज़्यादा हल्दी भी ना ऐड करें, वरना कलर बहुत ख़राब लगता है। इसके साथ ही ये देखिए, सूखे धनिया का पाउडर है ये, वो मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन चीज़ों के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी ऐड कर दीजिए इसमें, 1 चम्मच नमक ऐड किया है। और ये देखिए, आधी चम्मच हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसालों को अच्छे से हमें लौकी और आलू के साथ कोट कर लेना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। कैसे भी हमें टमाटर ऐड करना है और अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। और ये देखिए मिक्स कर लीजिए इसको। ये देखिए हमने टमाटर को भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी की क्वांटिटी वैसे तो आप पर डिपेंड करती है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए देखने में ही ऑलरेडी हमारी सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। तो लेकिन फिर भी हम इसमें लगभग 2 ग्लास के करीब पानी तो हम ऐड करेंगे ही। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया है। अगर आपको सब्जी थोड़ी सी पतली पसंद है तो आप ज्यादा ऐड करें, और कम पसंद है तो आप पानी रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आप लगभग 1.5 ग्लास के करीब पानी इसमें ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए नमक तो जा चुका है इसमें ऑलरेडी। तो ये देखिए ढक्कन लगा देंगे हम, और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 सीटी ले लेंगे। और उसके बाद में गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे, और इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे भी पका लेंगे। तो अच्छे से लौकी गल जाएगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। धीमी आंच पर भी आप इसको जरूर पकाएं। और ये देखिए सीटी आ चुकी थी इसमें, और कुकर ठंडा हो गया था, तो मैंने कुकर को खोल दिया है, ढक्कन हटा दिया, और आप देख सकते हैं लौकी आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसके पीस थोड़े से खड़े खड़े लग रहे हो तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैश कर लीजिए चमचे की हेल्प से। ये देखिए चमचे की बैक साइड से हम ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आलू भी थोड़ा सा मैश हो जाएगा, साथ ही जो लौकी है वो भी थोड़ी सी ये देखिए इस तरह से मैश हो जाएगी। तो सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। आप इसको जरूर बनाइएगा। बोलते बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और विश्वास मानिए सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत सारे लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो आप इसको डेली डाइट में जरूर इंकल्केट करें, जरूर इंक्लूड करें। तो ये देखिए ये सब्जी को अब हमें क्या करना है, गैस को हम वापस से ऑन करेंगे, और हाई फ्लेम पर आप इसको 1 मिनट तक और रख दीजिए। तो थोड़ा सा इसमें सौंधापन आ जाएगा, पानी थोड़ा सा और जल जाएगा, और ये देखिए हमारी लौकी आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लास्ट में इस तरह से आप गार्निश कर दीजिए इसको थोड़े से हरे धनिए के साथ। और ये देखिए हमारी घिया की सब्जी, दूधी की सब्जी, जो भी आप बोलते हो, बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए इसको अपने घर में, और आपको जरूर पसंद आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये सब्जी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब्जी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।